जो आप उत्थे इन्नी मेहनत कर रहे हैं क्यों ना फिर अपने पंजाब दे विच आपां मेहनत करके इनू सफल बनाईए। तो असी जटाणा नर्सरी का प्लान बना के अज थोड़े सामने ही है असी शुरू करी है। मेरा वीजा लग गया उस तो बाद मैं चला गया। फिर मैं हूँ 2 महीने हो मैं आए हूँ मेरे बच्चे उठे ने सारी मैं मेरी उठी मेरे क्लीयर है। पर जोड़ा लाइफ हैगी वो इतों की वधिया है इतों का अपना सभ्याचार वधिया हैगा कि इतने मन शांति मिलती हैगी जो आप इतने काम करते हैं तो मन शांति मिलती है। तो इस करके मैं इस प्लान भी आप इतनी सब कुछ करते हैं। जिन्हें भी नौजवान ने पढ़े लिखे ने चलो बुजुर्ग ने उन्होंने नहीं पता सीगा पहला ठीक है पर नौजवानों को बेनती है भी वो इस पासे नू जुड़ना अपना आले दुआले नू वधिया हरिया भरिया बनाईए आपां तां कि मतलब आपां पंजाब नू कनेडा बना दईए। इत्थे जदों बंदा इत्थे हैगा जिहड़ा गया नहीं गा उहनूं तां इह लग रिहा भी मैं उत्थे जावां उत्थे जाके कुछ ना कुछ मैं करां पर जदों हुण मैं मैनू भी इह सीगा भी मैं उत्थे गया गा बच्चे भेजे ने मैं गया गा भी मैं कुछ ना कुछ उत्थे करूँगा पर मैनू लग्या भी जे मेहनत ही करनी है फिर क्यों ना आपदे घर मेहनत करिए। सत श्री अकाल दोस्तों तुसीं देख रहे हो जगबाणी टीवी ते मैं परमदीप राणा। कुछ लोग विदेशों के रहण ते उत्थे रुजगार की दौड़ दे विच लगे हुए ने ते पर कुछ अजिहे पंजाबी भी ने जो पंजाब दे विच आ के खुद का रुजगार शुरू करना चाहते ने कनेडा की PR तक की जिहड़ी ऑफर नूं छड्ड के त्याग के कह सकते हैं भी वो पंजाब दे विच मानसा दे विच अपनी एक नर्सरी चला रहा एक इंसान का नाम है जसपाल सिंह जिसने कैनेडा तो वापस परत के ये जताया भी पंजाब दे विच रह के असी क्यों नहीं कम कर सकते जो विदेशों दे विच जाके असी सख्त मेहनत कर सकते हैं। आ पिछे तुसी फुलवाड़ी देख रहे हो पूरे फुल बूटे जिन्ने भी दिख रहे ने ये नर्सरी बाई ने कैनेडा तो आके प्लान किया भी इत्थे नर्सरी लगानी चाहीदी है। तो ये उपराले वो लोग करते हैं जिन्होंने पंजाब की चिंता है तो पंजाब के रुजगार की चिंता है। भाई जी सत श्री अकाल। भाई जी जसपाल जी सब तो पहला तो यही सवाल भी कैनेडा दे विच रहिंदे सी ते पंजाब आके काम किवें शुरू कर। हाँ जी हाँ जी सर इस तरह सीगा मैं जो कनेडा गया तो मैं उत्थे देखा भी मतलब बहुत ही सोहना बनया हुआ है वो तो अपन सारे पता ही है पर मैं कुछ ये देखा भी जो आप उत्थे इन्नी मेहनत कर रहे हैं क्यों ना फिर अपने पंजाब दे विच आपां मेहनत करके इहनू सफल बनाईए। इस करके सोच नूं लैके असीं चले हां ते असी जटाणा नर्सरी का प्लान बना के ते अज थोड़े सामने ही है असी शुरू करी है। 27 तरीक नूं साडा मुहूर्त सीगा। जसपाल जी इन्हां बारे मतलब प्लानिंग की सीगी इत्थे आके काम करन दी ते कदों तो तुसीं कैनेडा दे विच गए? मैं 2018 दे विच मेरा वीजा लग गया सीगा कनेडा दा ते उस तो बाद मैं चला गया। फिर मैं हुण 2 महीने होए आ मैनूं आए नूं ते मेरे बच्चे उत्थे ने सारी फैमिली उत्थे है मेरी PR है पूरी फैमिली उत्थे है। हाँ जी हाँ जी तो मेरे इधर भतीजे ने BSC करी हुई सी दिलप्रीत सिंह ने ते मैं आख्या भी चलो इन्हों का साथ लैने नाल ते आपां इत्थे ही झंडे गाड़दे आ। फिर अच्छा तो मैं भी यही बेनती करूँगा भी जे तुसी मतलब कुछ थोड़े को आपदी ये कह लो भी जे तुसी कुछ सीखे हुए हो तां तुसी उत्थे जाओ ते नहीं तुसी आपदी इसे धरती ती बहुत कुछ कर सकते हो। ये लोगों को कदों समझ आनी है क्योंकि पंजाब के नौजवान जे कह दिए नौजवान पीढ़ी लगातार IELTS वाल PT वाल ध्यान दे बैठी है तो +2 तो बाद सीधा बाहर जाने की तैयारी होंदी है क्यों इन्ना क्रेज़ वध रहा है? देखो जी एक दूजे को देख देख के हो रहा भी आपां भी उन्हें गड्डी लै ली उन्हें कोठियां पा लियां इस तरह का पर मैनू वधिया नहीं लग्या गा। अच्छा भी तुसीं मतलब इन्नी मेहनत उत्थे इन्नी मेहनत कर रहे हो तो फिर इत्थे क्यों ना करी जाए? अच्छा किन्ना क औखा होंदा उत्थे मेहनत करना तो इत्थे किन्ना क मतलब कह सकते भी जिंदगी का स्वाद इत्थे आउंदा जां उत्थे? इत्थे देखो ये है जी पैसा हैगा गा ठीक है पर जिहड़ा लाइफ हैगी वो इत्थों दी वधिया है इत्थों दा अपना सभ्याचार वधिया हैगा ते इत्थे मन नूं शांति मिलदी हैगी। अच्छा जदों आपां इत्थे काम करदे हां तां मन नूं शांति मिलदी है तां इस करके मैं इस प्लान नाल भी आपां इत्थे सब कुछ करदे हांगे ते मेरे बच्चे भी मेरा साथ दे रहे ने। जसपाल जी जदों आउण दी प्लानिंग कीती भी मैं पंजाब जाणा है ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹਾਂ ਅਤੇ PR ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੈਗਾ
तो मेरे भतीजे ने गे उन्हों का भी मेरा सा पूरा साथ है, मतलब पिंड साथ हैगा। बाकी मेरे इलाके काफ़ी जान पछाण है, मेरे दोस्त मित्र ने उन्होंने भी सारे ने मैं बड़ा मतलब वधिया हंगारा दिता है भी तुम ये काम शुरू करो तो असी थोड़ा साथ देवे। इतने कितने रहने केड़ा पिंड है? साडा चूड़िया पिंड है जी। अच्छा, तो इतों हैगा गा 20 किलोमीटर। अच्छा, तो असी डेली डेली अप डाउन करते हैं। सवेरे किन्ने बजे आ जाने फिर राखी? असं लगभग 9 बजे आ जाने, बाकी असं इतने बंदे रखे हुए ने। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, जो केयर कर रहे हैं। अच्छा, ये जगह की गल करिए तो किन्ने स्क्वायर मीटर जी जगह हैगी सारी? तो ये रेंट ये जगह असी एक बार लीज पर ली हुई है, तो उपर जिन्हें असी नर्सरी बनाई है वो मतलब अद्धा किला है चार कनाला ने, बाकी असी मतलब थले कणक तो बाद असी थले जगह लै रहे हैं। किन्ने तरह के जिहड़े पौधे बूटे तुहाडे कोल? एक बार तो जो भी मान लो है गे भी ऐ कह लिए जिन्हें भी अजक चल रहे ने गे वो सीजनल फ्लावर ने ज इनडोर प्लांट ने ज मतलब फ्रूट वाले ने सारे एक बार साढ़े को है ने। शुरू कर लिया तो किदा का फीडबैक मिल रहा लोगों? बहुत वधिया जी, बहुत वधिया रिस्पोंस है जी। जिस दिन साडा मूथ सीगा उस दिन भी साढ़े को 2000 बंदे का कट सीगा जी। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, बहुत वधिया जी। लोगों का इंट्रस्ट हैगा, मतलब कह सकते हैं भी वातावरण सुरक्षित कर रहे हूँ कुछ लोग जागरूक हुए ने गे। अच्छा, तो पूरा ही हैगा गा, तो हौली हौली असी विच जो रल गए तो फिर अगे लैके जावे। अच्छा, तुहानू किवें लग्या भी वातावरण, क्योंकि पंजाब के वातावरण की जो गल आती है तो सब तो पहला यही कहा जाता है भी पंजाब का वातावरण बड़ा दूषित है, भी लोगों ने किया है या किस तरीके ना होया? इस तरह है जो असं उत्थे गए हैं उत्थे जो भी मतलब सड़क ने जां मतलब किसी भी दरख्त है उन्होंने उन्होंने बड़ी लुक दिती हुई है भी मतलब बड़ी जे घा भी हैगा तो उसकी कटिंग करके बड़ा वधिया। अपने थोड़ा जिहा भी सरकार भी नहीं कुछ कर सकती, अपन आप नूं भी कुछ ना कुछ अपने वातावरण संभालने वास्ते आप अगे गलियां पीढ़ियां जीवित रखने वास्ते तो अपन कुछ ना कुछ आप भी करना पा अपना आला दुआला दुआला जिहड़ा उहनूं साफ रखना पूगा। तो कुछ साडी भी बेनती है कि जिहड़े जिन्ने भी नौजवान ने पढ़े लिखे ने चलो बजुर्ग ने उहनां नूं नहीं पता सीगा पहलां, ठीक है, पर नौजवानों बेनती है भी वो इस पासे नूं जुड़ना तो अपना आले दुआले नूं वधिया हरिया भरिया बनाईए आपां ते तां कि मतलब आपां पंजाब नूं कनेडा बना दईए इत्थे। अच्छा, पंजाब नूं कनेडा बनाउणा है फिर? कनेडा बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। बाकी सरकार भी कह रही है भी बाहर जाण दी लोड़ नहीं, सरकार दी वधिया पॉलिसियां नेगियां जिहड़े हिसाब नाल हुण सरकार चल रही है। नौजवान पीढ़ी नूं किस तरीके नाल समझा सकदे आ भी, क्योंकि तुसीं तां कर लिया काम आके तुसीं लोकां नूं सेध भी दे रहे हो, पर उह लोक कदों समझणगे जिहड़े बाहर जाण दी हजे भी इच्छा रखी? देखो जी वो तो हुण आपां देखो बहुता तो नहीं किसी नूं कुछ कह सकते, अगले दी आपदी लाइफ हैगी, पर जे किसी कोले इत्थे वधिया आपदा हैगा गा कारोबार दे गुंजाइश हैगी आ करन दी तां इत्थे भी ठीक है, इत्थे भी बहुत कुछ हैगा। अच्छा, क्योंकि जदों बंदा इत्थे हैगा जिहड़ा गया नहीं गा उहनूं तां इह लग रिहा भी मैं उत्थे जावां उत्थे जाके कुछ ना कुछ मैं करां, पर जदों हुण मैनूं भी इह सीगा भी मैं उत्थे गया गा बच्चे भेजे ने मैं गया गा भी मैं कुछ ना कुछ उत्थे करूँगा, पर मैनू लग्या भी जे मेहनत ही करनी है फिर क्यों ना आपदे घर मेहनत करिए, ठीक है, आपदे सूबे दे विच जाके मेहनत करिए आपदे देश दे विच मेहनत करिए जाके। तां बाई साडे नाल है जो इत्थे मतलब देख रेख भी करदे ते बाई दा भतीजा है BSC कीती हुई है ना, ते किवें तुसीं प्लान दित्ता जां पहलां ही तुहाडे चाचा जी दा प्लान सी? देखो जी, कोई काम शुरू हुंदा गा एक बंदे दी सोच नहीं हुंदी, बंदे दो तीन दी सोच हुंदी, लास्ट में सारे परिवार दी सोच आई। अच्छा, क्योंकि जो मैं कोई भी राय हुंदी है कोई भी काम शुरू हुंदा तो सारा परिवार इकट्ठा बहिंदा गा उहते मतलब मैं राय हुंदी है फिर वो कोई काम शुरू करदे आ जी, तां करके सारा परिवार खुश आई काम देख के भी वधिया काम आ। क्योंकि जिवें हुण लाल भी मेरे एक सिस्टर आ वह भी बाहर गए हुए ने ते मैं इत्थे कल्ला ही आ लगभग हुण मुंडा मतलब सारे रिश्तेदारां दे जवाक बाहर गए हुए आ सारयां नूं इही उम्मीद आ वी इत्थे रहे तां करके हुण मेरे काम तों जां चाचे दे नाल काम करके सारे सारे रिश्तेदार परिवार सारा पिंड वधिया खुश आई सारे वधिया। अच्छा, तुसीं नहीं जाणा बाहर? सारे तां बाहर नहीं, किरां दा हुंदा किते किते लगदा स्टोरियां स्टारियां देख के जा वड़ीए बाहर, पर हुण इहदा नर्सरी रिस्पोंस देख के हुण नहीं लगदा बाहर जा वड़ीए, हुण लगदा वी इत्थे सैटिस्फाइड आ पूरे। अच्छा, देखो जी सावर आ किते कर लो इत्थे कर लो भावें किते कर लो उत्थे तुहानूं सारा कुछ मिल जाणा। सब तों वड्डी चीज़ तां सावर हुंदी आ वी, जदों मन दी शांति होगी तां सब कुछ है। जिहड़े बई इधर बैठे आ उहनां नूं लगदा वी जे बाहर जा वड़ांगे तां सैटिस्फाइड हो रहे, जिहड़े बाहर बैठे आ हुण नर्सरी दी ओपनिंग तों बाद मतलब जिहड़े रिश्तेदार आ उहनां दे किते ना किते रिस्पोंस आउण लग्गिआ वी यार जे इधर सैट आ जाए तां इधर वापस आ जाएंगे असीं। अच्छा, वी तुसीं मूरे मूरे चलो अभी पिछे पिछे आ जाएंगे थोड़े। पंजाबियों की कहनी भी कड़ा लोट आना चाहिए भी जिधर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तुसी तो आ गए, होर लोगों को सेध दोगे जो विदेशों के बैठे ने जो चाहते ने कुछ अपना कारोबार? मैं तो ये कहूँगा जी भी जे थोड़े कोई कला हैगी है ठीक है तो तुम मान लो उस तरीके विदेश जाओ ना कि तुम लेबर के रूप से ना जाओ, भी जो थोड़े कोला हैगी कला के
सिरते तक बंदा कितने भी वो कर सकता पर इतने बहुत कुछ हैगा करने वाले बन पर इतने आप थोड़ा जहा सोच रहे हैं भी आप विदेश ही जाना आप इतने कुछ करना ही नहीं गा अच्छा। माँ प्यो भी यही सोची जाता गा भी बच्चे असी उत्थे भेज दिए पता नहीं इतों के हालात ठीक नहीं इस तरह नहीं गा पर नहीं सब कुछ जहे जहाँ इतने उ उत्थे भी है हालात वाली कोई यही गल नहीं भी आपां नूं कोई इत्थे बाली खतरा हो गया भी आपां तां बच्चां नूं भेज रहे हैं अच्छा आ उम्र च तां लोक कॉलेजां यूनिवर्सिटियां च मतलब फिरदे रहिंदे हैं ना ते तुसीं आ वातावरण नूं साफ रखण जां नर्सरी जिहड़ी खोली है किन्ना कु मैनेजमेंट किस तरीके की होंदी है नहीं वधिया जी वधिया जिहड़े मेरे फ्रेंड आ वधिया सर्कल क्योंकि मेरा सर्कल ही मतलब सारा एग्रीकल्चर वाला गा उन्हां दा पूरा वधिया रिस्पोंस वधिया वधिया हैल्प करदे सारे काम च तां करके अज कोई दिक्कत नहीं गी किन्ना कु औखा हुंदा सारा दिन आ बूटियां नाल ही मत्था मारना नहीं जे सूँ प्यारा फिर कोई औखा नहीं लगता जो सूँ किसी काम नाल प्यार नहीं फिर औखा लगता अच्छा समय चा चढ़ता जिदन मतलब इतने आने वधिया जी लगता इतने आके बूटे च रहना वधिया लगता गा तो जो लोग आते साढ़े नाल गल्लां बातां करते तो होर मन खुश हुंदा जो बूटे बारे उन्होंने दस दें भी आह बूटे का फायदा गा आह बूटे का फायदा गा भी आह बूटे घर की हवा साफ करते हैं जे आह फ्रूट लाऊंगे तो इन्ने टाइम बाद फ्रूट देने लगेगा उन्होंने वधिया लगता भी साडे एरिया कोई नॉलेज वाले बंदे आए जां भी कोई नवा काम शुरू कर लगे मतलब सारे एरिया का पूरा वधिया रिस्पोंस आ जी अच्छा किन्ने क जिहड़ा लोगों का रिस्पोंस है हुण जिवें तुसीं ट्रीट कर रहे हो लोगों दस रहे हो तो किन्ने क बूटे तुसीं आपदी नॉलेज दे अकॉर्डिंग किन्ने कितने लाए ने जिवें फ्रूट तो जी लगभग मोस्टली जिहड़ा अपने होने वाला लगभग सारा ही आ जिहड़ी मतलब जी इनडोर की वरायटी है वह 200+ हैगी अपने कोल इनडोर की वरायटी तो आउटडोर की वधिया वरायटी है बई लगभग पाम सारे ने फ्रूट वाले सारे ने तो कैक्टस तो सकुलेंट्स दी जिहड़ियां अपने मतलब वधिया वरायटियां लोग जिन्हां नूं पसंद करदे वह अपने कोल हैगी ने लगभग जसपाल जी तुसी तो शुरू कर लिया लोगों के मना दे विच एक चीज़ होंदी है भी यार काम शुरू तो कर लिए पर उहदे फीडबैक आना या इनकम सोर्स होना ये तुसी पहला देखिया किसी तो सीखिया या पहले ही स्टार्टअप कुछ साडा पुराना सीगा भी असी मतलब पिंड सब्जी वगैरह लाने असी नीरियां बनूरियां भी करते सीगे काम तो देखो जो आप चंगी नीत नाल चलावांगे तो फिर सब कुछ ही है कुछ वो नॉलेज सी कुछ हुण दिलप्रीत नूं नॉलेज हैगी इन्हां ने BSC कर रखी हैगी इस करके सानू कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही कुल मिला के मौजा ने बिल्कुल बिल्कुल मौजा ने जी बहुत वधिया हीला करो वसीला आपे हो जांदा वो काम हीला करो कहिंदे नहीं हुंदे हीला करो वसीला आपे हो जांदा वो काम जिवें असीं हल्दी लाई सी साडा ना नहर दे नाल ही थां सी उत्थे मतलब छां बाली ज्यादा रहिंदी सी उत्थे जदों मतलब आए साल इन्नी ज्यादा बीमारी पैंदी क्योंकि छां तों ही बीमारी ज्यादा पैंदी पैंदी आ ते उत्थे असीं पिछले साल हल्दी लाई सी उत्थे हल्दी बहुत वधिया हुई आ हुण हल्दी दे मतलब लगभग साडी सारी सेल हो गई थोड़ी बहुत जिहड़ी रह गई उह असीं मतलब उहनूं प्रोसैसिंग करके पाउडर बना के वेच दांगे ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਗੇਟ ਰਾਹ ਖੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਓ ਬਸ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜਾਣਾ ਮਾਨਸਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਪਰਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਟਾਣਾ ਨਰਸਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਦੀਪ ਰਾਣਾ ਜਗਬਾਣੀ TV ਮਾਨਸਾ